हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कल वाले भयंकर एडवेंचर करने के बाद आज हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। और आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा, नाक वाक बिल्कुल एकदम है ना, हालत ख़राब है। लेकिन मज़ा आया भाई। कसोल लोग सोचते हैं, अरे यार यहाँ तो पार्टी वार्टी, लड़कियाँ वड़कियाँ, वो चक्कर का मामला है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे जो एडवेंचर हमने कर दिया, आई थिंक अभी तक का तो अपने हिसाब से, आई डोंट नो, मतलब अपने हिसाब से, हम दोनों के हिसाब से अभी तक हमने सबसे डेडलीस्ट रोड करा है। और अब इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। आज शायद मनाली पहुंचेंगे, वहां पे होटल में स्टे करेंगे। बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है तो वो भी करना है आपके लिए। और उसके बाद तो स्पीति में तो भाई पूरा एडवेंचर ही एडवेंचर है। तो मजे आने वाले भाई साहब। सारा पैकिंग वैकिंग हो गया है, डीसी भाई मस्त रेडी है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, अब निकल रहे हैं। बाइक तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, बिना वॉश कराए काम नहीं होने वाला है। बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गंदा, साफ ही नहीं हो रहा है। स्क्रैचेस देखो कितने आ गए यार। इसका टंकी का पेंट वगैरह अच्छा नहीं है भाई, काफ़ी स्क्रैचेस देख रहे हो। सिर्फ हेलमेट रखने से पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं सन का पीछे से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रहा है, अभी दिखेगा नहीं आपको, बट स्क्रैचेस भर भर के आए हुए हैं यार। बिल्कुल स्लिपरी है, कुछ ज़्यादा ही है, रात में तो इतना नहीं था। भाई लोग, सर्दी कल से थोड़ा सा ठीक तो है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है वैसे। अभी दोपहर में मेडिसिन खाऊंगा फिर से, यहाँ भगाने की हिम्मत ही नहीं है भाई। मैं पीछे खड़ा कर लेता हूँ, रुको दोबारा निकाल देता हूँ, फिर निकालेंगे अपना। करो हाँ, चलो 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 हाँ चलो चलो ठीक है, जाओ। हाँ चलो, मैं निकालता हूँ भाई, इसलिए कल मैं यहाँ फंस गया था। अरे हवा क्या क्या हाल है, हो गया फिर से। अरे पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, बैक टू बैक ऑफ रोडिंग करना भी सही नहीं होता हेल्थ के लिए एंड बाइक के लिए भी। तो एक दिन का बीच में ब्रेक है तो वो सही है, उस दिन थोड़ा बाइक निकालेंगे, बाइक को साफ करवाएंगे और फिर आसपास घूमेंगे, आपको नज़ारे दिखाएंगे मस्त मस्त, हम भी देखेंगे। बाय द वे दोस्तों, आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है अभी तक कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या कमी रह गई है, वो सब आप बताओ, ताकि हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपको कोशिश करेंगे कि वो मज़े दिलाएं जो इस सीरीज़ में अगर आपको लग रहा है कि बाकी रह जा रहा है। बाकी जो बन पा रहा है हमसे वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं फिर भी काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। तो भाइयों, अभी हमने कितना किलोमीटर कवर किया, 20 किलोमीटर लगभग कवर किया है। और यहाँ पे ट्रक वाले क्या चला रहे भाई, खतरनाक चला रहे, मतलब हमने एक बार ओवरटेक मैंने कर दिया इसको, ऐसा पागल हुआ, ऐसा पागल हुआ, मतलब पीछे से एकदम वहीं से एकदम हॉर्न मारता हुआ आ रहा है कि भाई तूने ओवरटेक कैसे कर दिया। अलग ही जोश में है ये लोग, भाई क्या करोगे इतना पहाड़ी पर तेज चला के, खुद को भी लगा रहे हो, रिस्क पे लगा रहे हो एंड दूसरों को भी रिस्क पे लगा रहे हो। इन लोगों ने भी, ट्रक वालों ने, एंटीना तो लगे हुए हैं। उसको ओवरटेक कर लिया मैं। ये भाई देखो नज़ारे देखो, आप बस नज़ारे देखो यार, व्यू को एंजॉय करो, हमें अपना काम करने दिया जाए, मोटिवेट होके आप भी आओ, घूमो, एंजॉय करो,
कभी कभी लाइफ में घूमना भी जरूरी है। एक एक काम, हाँ बिजली महादेव वाला पुल यही वाला था, यही था जहाँ पे बिजली महादेव मंदिर के लिए हम निकल गए थे राइट तरफ। ऊपर से कुल्लू होके भी रास्ता आता है, वो रास्ता कैसा है हमें नहीं पता भाई, कुल्लू वाला बट ये वाला खतरनाक है। तो जब भी करना होगा ना तो इस रास्ते पे आना है ना, कुल्लू वाले से मत करना। राम राम से आओ, राम राम से आओ भाई। ये पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, गिर गया ये पहाड़ देख रहे हो भाई साहब। इसको तो ऐसे पूरा देखने के लिए ऐसे गर्दन को ऐसे भी कर दूंगा तो ये पूरा दिखेगा नहीं भाई साहब। खतरनाक पहाड़ है, नीचे बह रहा पानी, नीचे बह रहा है जबरदस्त वाला पानी, तगड़ा स्ट्रीम है नदी का, काटा है वही तो। हाँ वही तो स्ट्रक्चर देखो, खच 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 पूरा सर, ब्लेड मारा गया कचा खच खचा खच एक ही शेप में एकदम है जबरदस्त। ये रात में हम खुद देख नहीं पाए थे, गजब का व्यू है। देखो 950 मीटर के बाद में तो घूमना तो है, पुल क्रॉस करना है, कोई तगड़ा लग रहा है भाई। मिस करेंगे कसोल को, ये बड़े बड़े पेड़, जंगल, पहाड़, पार्वती रिवर और कुछ सुंदर और खूबसूरत लड़कियां भी। क्या बात कर रहे हैं। इस होटल में बाय द वे हमने स्टे करा था, होटल बहुत अच्छा था, होटल तो बहुत अच्छा था, रूम अच्छे थे, होटल थे, स्टाफ की बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। स्टाफ का बिहेवियर मैं बोलने बनता है, जो अच्छा है वो अच्छा है। बस एक ही प्रॉब्लम था कि थोड़ा पार्किंग को लेकर इशू है, बट वो काम हो रहा था। उन्होंने बोला कि हाँ कई बार जुगाड़ लगा देंगे वो लोग, बट ये कि आपके रूम के नीचे आपका गाड़ी साथ ना दिखे देखने को मिले आपको। बट होटल अच्छा था यार, राइट लेना आगे से सर, हाँ ये पूरा यू टर्न लेना है राइट वाला पुल। शानदार हाय हाय, क्या व्यू है डीसी, तगड़ा व्यू है गजब। एक नंबर व्यू भाई, एक नंबर व्यू, एक नंबर शानदार व्यू। अब लग रहा है खुला रास्ता में आए हैं, स्पीड वाला मिलेगा। हाँ सही कह रहे हो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पर भी कैमरा है ही, बट ये स्पीड वाला कैमरा शायद नहीं है। हाँ सही सही सही। तो यहाँ पे घर हो, खुद का घर हो, लगाने के लिए नहीं, किसी को भाड़े पे देने के लिए नहीं, किसी को होम स्टे वही कह रहा हूँ भाई, मजा आ जाए भाई। मतलब क्या शानदार है ना, मतलब आपको पहाड़ देखना आराम से, तो यहाँ से लेना है जा तो सर इधर से रहे। मतलब यहाँ पे घर रहे और मस्त सुबह उठो पहाड़ दिखे आपको शानदार एकदम, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और क्लाउड ऊपर इतना क्लियर, मस्त भाई मज़ा आ जाएगा यार, कौन नहीं रहना चाहेगा इस जगह पे। गजब यार, जो लोग यहाँ पे हैं जिनका यहाँ पे खुद का घर है ना, वो बहुत लकी है। कुछ है कि नहीं है पूछ लो जरा इस। चाय मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, चाय चाय हाँ। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पीते हैं, गला थोड़ा ऐसे भी ठीक करते हैं। ऐसे खींचने का तो एक बार में ही खींच, हाँ खींचने का एक बार में भी खींच देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है गला इतना ख़राब पड़ा हुआ है ना कि मन नहीं हो रहा खींचने का।
चाय वाय पीते हैं फिर चलेंगे आराम से। क्या हड़बड़ी है? कोई हड़बड़ी नहीं है, मस्त चलेंगे आराम से आपको घुमाते हुए। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक आलू पराठे और एक चाय, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, एक घंटे का और राइड है, लेकिन पूरा कान जो है वो जुकाम से जाम है, नाक जाम है, तो और अब तो वैसे भी आ रहा भाई, तो टॉनिक वॉनिक भी ले लिया है वैसे, तो अब रूम जाके आराम से बैठना है और वहाँ पर खाना वाना लंच तो वहीं पर करेंगे, फिलहाल यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये देखो सामने का व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है भाई, कितना खूबसूरत है, रिवर सामने से आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही मस्त है। एंड व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट अ ब्यूटी भाई। जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए जहाँ पे हम रुके हैं ना, वहाँ से आप ये व्यू देखो यार, मतलब मज़ा आ जा रहा है यार। क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए आप सब भूल जाओगे, देखो कितना शानदार लग रहा है यार, व्हाट अ ब्यूटी भाई, बहुत ज़बरदस्त, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये आ गए हमारे पराठे, ये हमारा चाय, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शानदार व्यू। तो दोस्तों फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया भाई, बढ़िया था, दो चाय, आलू प्याज पराठे थे, प्याज पराठे थे, बढ़िया था। और लेकिन एक गलती मैंने कर दिया यार, अपना मेडिसिन, मैंने सोचा था कि यहाँ ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लूँगा, थोड़ा रूम पहुँचते पहुँचते रात तक आराम हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन ही छूट गया भाई होटल में। नहीं बढ़िया बनाया था, बनाया भी अच्छा था, पराठे का साइज़ भी आप लोगों ने देखा ही, बड़ा पराठा था, हाँ मतलब एक ही पराठे में ही पेट भर गया अच्छे से, तो 120 रुपये में सही बात है, तो अगर 20 रुपये में ही भाई, मतलब 120 रुपये में दो लोग भरपेट खा ले रहे तो अच्छी बात है ना, और इससे सस्ता और क्या मिलेगा भाई। यहाँ से ले रहे ये 466 किलोमीटर, मुझे याद है यार लास्ट टाइम भाई साहब पूरा ले मार दिया था, खतरनाक बाल लाचला होते हुए, तगड़ा राइड था यार वो, सुबह 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 ठंडे में, उस समय तो पिछले साल तो लैंडस्लाइड के कारण रास्ते भी काफ़ी ख़राब थे, तो सही बात है यार, बैंड बज गया था, ठंड से ज़्यादा ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था कि नशे में चला रहा हूँ गाड़ी, नशे में ये हाल हो गया था लास्ट लास्ट में। डीसी भाई के साथ हमेशा पंगा होता रहता है, पूरे रास्ते एकदम मदर फादर करते हुए आ रहा है, कभी कोई कार वाला डीसी भाई के आगे आ रहा है, कभी कोई पीछे से देवधार, कितना शानदार लग रहा है नीचे से। फाइनली अब मनाली के लिए चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुका है, और ये वही पत्थर है भाई जो पिछले साल लैंडस्लाइड में बह बह के आए थे, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ये पत्थर हैं, वही ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, पहाड़ों को भी देखो ना, ये पहाड़ों को भी देखो आप, सही बात है, अभी भी डीसी ये पहाड़ देखो यार कितना खतरनाक लग रहा है, नहीं ऐसे ही बात है, एक पत्थर हिलने का मतलब है कितने 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 सारे पत्थर नीचे गिर जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। ऊपर इधर पैराग्लाइडिंग भी चल रहा है, दबा कर लोग कर रहे हैं, करने वाले इसके तो निकलने से पहले तबीयत सही करना बहुत ज़रूरी है, ठंड बढ़ रहा है, हवा हवा तेज़ है और ठंड बढ़ रहा है, एकदम ठंडा हवा है भाई, एकदम ठंडा हवा है, किसको दे रहे थे भाई, किसको दे रहे थे, किस किस को दे रहे थे। जाते यार हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत गलत चीज़ है।
नहीं यार रास्ता तो सही में नहीं है, रास्ता पत्थरों तक काट के बना रहा है ये लोग। ठीक ठाक आ रहे थे, हमें लगा ऑन रोड होटल होगा अपना, मस्त अपना स्टे कर लेंगे। तबीयत भी सारा ख़राब है यहाँ के वाले की रोल है, रास्ते ही बंद है, कहाँ जाओगे, एंड रास्ता एंड पता नहीं साला। तो भाई अब यहाँ से निकलना है, ऊपर तो आ गए हम, नीचे उतरना एक अलग ही चैलेंज है, कल भी ऑफ रोडिंग का मतलब बिना, हमें लग रहा है पता है कि ठान लिया है यहाँ पे स्लिप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ठान लिया गया है ना कि तुम लोगों को आराम से पहुँचने नहीं देंगे, इस हिसाब से ये मान लो डीसी की स्थिति हमारा बहुत होने वाला खतरनाक। तो भाई साहब अब जाके गूगल जो है वो अपना नए रूट को मैप करा उसने, उधर से राइट तरफ से ब्रिज क्रॉस करके हाईवे वाला रास्ता, ये इतना कच्चा रास्ता मैं ले गया था ना, अब से तो फोर व्हीलर मैप मारूंगा मैं। चला हमने, मैंने सोचा था कि चला आराम से जो है ना क्रॉस कर जाएंगे 2:30 बजे तक रूम, बट काय का यहाँ से दिखा रहा 6.3 किलोमीटर 14 मिनट का रास्ता, धूल खाते हुए जाएंगे, धूल खाते हुए आएंगे, हमारे किस्मत में धूल ही खाना लिखा हुआ है फिलहाल तो इस ट्रिप में पूरे, इसी एक ट्रिप मारना पड़ेगा बिना धूल वाला। भाई डीसी आवाज़ नहीं आ रही, अल्फा अल्फा बीटा बीटा बोलो तो सही भाई, एक ट्रिप मारना पड़ेगा यार बिना धूल वाला भाई। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मनाली वाले होटल ही होम स्टे है, और बड़ा ही शानदार है भाई, क्यों क्या ही मज़ा आ गया देख के। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हुआ, गूगल ने आलतू फालतू रास्ता में घुमा दिया इधर उधर, लेकिन ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है, मेरे को कार ढकना है, मेरे पास कोई कैप नहीं है, इवन अपना मफलर भी मैं लेके नहीं आया इस बार, तो लोकल आसाम में जाऊँगा कहीं क्योंकि कैप वैप मिल जाए भाई आज ले लेना है भाई, क्योंकि जब तक कान में मेरा हवा जाता रहेगा मुझे पता है तब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं होने वाला है, तो उसको आज रोकना है। लेकिन सबसे पहले आपको रूम दिखाते हैं, डीसी भाई तो आते ही अपना फाइल ट्रांसफर में लग गए, इन्होंने तो अपना कान में सब ढक लिया, मैंने भी विंड शीटर डाली है, विंड शीटर डाल दिया है, लेकिन कैप चाहिए। सबसे पहले सामने दिखाता हूँ आपको, क्या मस्त मस्त व्यू है भाई, और स्नोफॉल ये देखो भाई, ये अगर आप देख पा रहे हो ना, ये देखो स्नोफॉल क्लियरली दिख रहा है पहाड़ों पर भाई, और कल अपने को मॉर्निंग मॉर्निंग और भी स्नोफॉल दिख सकता है ना। अब ये देखो अपना रूम, ये रूम छोटा है लेकिन इस व्यू के लिए हम पैसे दे रहे हैं, हालांकि हमने बुकिंग करा था नीचे वाले रूम को, वो काफ़ी बड़ा था, बट ये छोटा सा है, प्यारा सा है, लेकिन ज़रूरत के सारे सामान है यहाँ पे, मुझे बस एक केटल मांगना है, नीचे वाले रूम में था और इस वाले रूम में नहीं है, गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये वॉशरूम है बढ़िया साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा होम स्टे है, स्कीपिंग स्टोन नाम है इसका, इस होम स्टे का बहुत बढ़िया है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, आपके पास 7-8 लोग हैं, तो ऊपर में एक हॉल है बड़ा सा, वहाँ पे आप लोग मस्त स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप जूता चप्पल रख लो, यहाँ से नीचे फ्लोर है और ये अपना बालकनी है, बाइक हमारे नीचे है, छत भी है, कल सुबह दिखाएंगे आपको, और बहुत ही शानदार व्यू है, स्नो काफ़ी नीचे है, स्नोफॉल काफ़ी नीचे है, यहाँ पहाड़ पर स्नोफॉल दिख रहा है, यानी कि स्पीति में बहुत हालत ख़राब होने वाला है, अभी से ही समझ में आ रहा है, और अभी तक जितना भी रास्ता रहा है ना, मतलब अच्छा भी रास्ता हो ना तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इतना आसानी से स्थिति होने वाला नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अभी तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बजरंग बली के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, अभी तक हमने सब चैलेंजेस को अच्छे से पूरा किया है। और ये जो नाली दिख रहा है आपको, हमारे तरह से पहाड़ों से पानी आ रहा है, इतना तेज पानी आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि नदी की तरह आवाज़ आ रहा है, एक्चुअली ये नदी है बस रास्ता दे दिया गया है, बहुत ही तगड़ा पानी आ रहा है, मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा सामने से दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखा दूँ ये पानी कहाँ से गिर रहा है, ये देखो ये ऊपर होते हुए
ये उधर ऊपर से आ रहा है तगड़ा, काफ़ी तेज़ हवा है भाई, काफ़ी तेज़ हवा है। तो कल हम इसी होम स्टे में स्टे कर रहे हैं, आज कोशिश करेंगे तबीयत ठीक करें। सबसे पहले कान ढकना है, ज़्यादा बोलने पे गला में खसखस हो रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, डिनर करेंगे और आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, है ना। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा पूरा सीरीज़ में। कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना अगर आपने नहीं किया है तो। आगे और तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले हैं।